You're still on mute. Yeah. I think my table is also red, Prachi. Oh, yeah. that's right. So quite a few people have joined already. Already, yeah, it's looking good. Have they all joined? Are they waiting? Are they waiting or have they joined? They've joined, I think. They've joined, you think. Sandeep, yeah, okay. Sanjay would know. Okay. This is a webinar. Yesterday, it's 86 people. 94 now. Hmm. Okay, yeah. Okay. 5 minutes, 4 minutes, 2 minutes. 2 minutes, sir. A lot of Asha schools. Okay, Darshana is in yellow. Hi, Prachi. Hi. Good evening. Good evening. Good, at least you're one person in yellow. Oh, yeah. It's slightly green and yellow. So, okay. Yeah. I couldn't find anything blue and red. So, yeah. Arman, where are you? Which town, which place are you in just now? I'm in Delhi right now. Are you? Is it quite cold? You had this muffler on and all that. Cold, yeah. Yes. It's quite cold, yeah. Yeah. And Aarti is in Dehradun. Okay, Aarti is not in Delhi. Yeah, yeah. Delhi is quite foggy. Foggy and cold, is it? Yeah. Yeah. Sandeep, I think we can go. Yeah. सुप्रभात, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. मैं हूं लतिका रॉय फाउंडेशन से संदीप खन्ना. आप दुनिया में जहां कहीं भी हैं, लतिका रॉय फाउंडेशन की विशिष्ट लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है. इस श्रृंखला से प्रेरित होकर आप में से कई लोग सालों से इस श्रृंखला का हिस्सा रहे हैं और डिसेबिलिटी और इंक्लूजन से जुड़े विषयों पर कई महत्वपूर्ण डिबेट्स में भाग लिया है. इस वर्ष कोविड-19 को शुक्रिया कि यह लेक्चर वर्चुअली जूम के माध्यम से हो रहा है और लोग दुनिया भर से इसमें भाग ले पा रहे हैं. रेड बैलून मोय मोय मेमोरियल लेक्चर सीरीज मोय मोय और उसकी पॉजिटिव एनर्जी व अच्छाई की याद में रखा जाता है. मोय मोय ने अपने छोटे से जीवन में इतने सारे लोगों के जीवन को बदल दिया. लतिका रॉय फाउंडेशन उसके कारण अस्तित्व में आया और हम में से कई लोग उसे जानने के कारण वो बन सके जो हम आज हैं. उसने हमें कई महत्वपूर्ण सच सिखाए. उन सब में एक था हमारे जीवन में रिश्तों की शक्ति को पहचानना. एक रिश्ता जो मोय मोय के बेहद करीब व महत्वपूर्ण था वह था अपने भाई बहन के साथ. उसके भाई और बहन आनंद और कैथलीन, जो दीदी कुछ देर में इसके बारे में अधिक बात करेंगी, लेकिन अभी के लिए आइए एक भाई या बहन होने के बारे में सोचें. पूरी दुनिया में भाई बहन का रिश्ता अनोखा है. ज्यादातर समय भाई बहन एक ही माता पिता, एक ही घर और एक ही बचपन को शेयर करते हैं. हर भाई बहन के पास एक जैसे कजन्स, एक जैसी पारिवारिक परंपराएं और लगभग एक जैसे अनुभव होते हैं. और हमारे माता पिता के जाने के बाद भाई बहन दुख भी शेयर करते हैं और उन्हीं सेम यादों को संभाल कर रखते हैं.
और फिर भी हम सब अलग अलग व्यक्ति भी हैं। अपने भाई बहनों के साथ इतना सब शेयर करने के बावजूद हमारे पास अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, अपने स्वयं के दृष्टिकोण, अपनी स्वयं की पहचान है। जब एक भाई बहन अक्षम या विकलांग हो तो आपसी बंधन उन तरीकों से गहरा होता है जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। अगर उनमें से किसी को कोई लिमिटेशन हो तो क्या भाई बहन और ज्यादा करीब महसूस करते हैं? क्या वे एक दूसरे पर अधिक निर्भर रहते हैं? क्या वे एक दूसरे के प्रति ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं? क्या वह अपने गुस्से को जाहिर कर पाते हैं या नहीं? क्या विकलांग भाई बहन दूसरे की आजादी पर नाराजगी जताते हैं? क्या सक्षम भाई बहन इस विचार का विरोध करते हैं कि वे आखिरकार अपने असक्षम भाई बहन की देखभाल करने की भूमिका को निभाएंगे? डिसेबिलिटी की दुनिया में हमने वास्तव में केवल भाई बहनों के बारे में अभी सोचना शुरू किया है, और जब हम कभी इस बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर सक्षम भाई बहन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है। यह महसूस करने में हमें इतना समय कैसे लगा कि विकलांग लोग भी भाई बहन हैं? आज का लेक्चर एक शुरुआत है, एक प्रयास है विकलांगता के लेंस के माध्यम से भाई बहन की दुनिया के बारे में थोड़ा और समझने और जानने की कोशिश। हम उन सभी भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं जो आज इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं, और हम आप सभी का इस यात्रा में शामिल होने पर स्वागत करते हैं। इससे पहले कि मैं ज्योति दीदी को इनवाइट करूं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोग अपने सवाल Q&A सेक्शन में पूछ सकते हैं। Q&A आपके स्क्रीन में बीचों बीच एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं जिनका जवाब हम लेटर ऑन अपने सेशन के दौरान जरूर देंगे। आप सबसे आग्रह है कि केवल क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन पर ही पूछें ताकि हम प्रॉपरली क्वेश्चंस को रिलेट कर पाए। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ज्योति दीदी को। थैंक यू संदीप। मैं बहुत खुश हूँ सबको देख के, देख नहीं सकते हैं लेकिन आपका नाम मैं देख लिया, और बहुत खुश है कि इतने लोग हैं हमारे साथ। तो जैसे संदीप ने कहा, हमारे तीन बच्चे हैं। आनंद हमारा सबसे बड़ा वाला है, फिर कैथलीन हमारी बीच वाली, और सबसे छोटी मोई मोई। सभी तीन भाई बहन एक साथ बड़े हुए, खेलते रहे, लड़ते रहे, एक दूसरे को परेशान करते रहे, और मेरा इच्छा बहुत है कि उन तीनों से बात कर पाते हैं। बचपन कैसे था और भाई बहन का रिश्ता क्या था उनके लिए, क्या अनुभव था? लेकिन जैसे लोगों को शायद मालूम है, अफसोस की बात है कि मोई मोई जो गंभीर रूप से विकलांग थी अब है नहीं हमारे साथ। मोई मोई 2 साल पहले गुजर गई, और ये लेक्चर सीरीज जो हम कर रहे हैं वो उनकी याद में है। लेकिन आनंद और कैथलीन है हमारे साथ, एक इंग्लैंड में है, एक USA में, और जूम का मैजिक से वो बातचीत किया अपने भाई बहन का रिश्ते के बारे में, अपने बचपन के बारे में, और अभी हम सुन सकते हैं कि उनका क्या सोच। तो सुनिए हमारे साथ एक मिनट। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, मैं मोई का बड़ा भाई हूँ। मैं अपनी पत्नी लिडिया के साथ लंदन में रहता हूँ। शुरुआत में मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ, मैंने बहुत लंबे समय से हिंदी में भाषण नहीं दिया, इसलिए मैं शायद कुछ गलत या अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करूँगा। और मेरी बहन कैथलीन भी यहाँ है। कैथलीन, कृपया अपना परिचय दें। हाय आनंद, नमस्ते सब लोग, और मेरा नाम कैथलीन है, मैं मोई की बड़ी दीदी हूँ, और मैं अभी कैलिफोर्निया में रहती हूँ, US में, अपने हस्बैंड के साथ डैनियल। आप शायद जानते हैं डैनियल को, और वो मुझे लगता है आनंद और मेरे से बेहतर हिंदी बोलता है।
to Daniel और हमारी बेटी उमा और हमारा छोटा सा डॉग है यहाँ पे शार्लेट और शार्लेट मेरे साथ आज बैठेगी जब मैं आप सब से बात कर रही हूँ. बहुत अच्छा. तो कैथलीन शुरू करते हैं. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. मोए की बहन होने की आपकी पहली स्मृति क्या है? तो जब मोए हमारे फैमिली हमारे परिवार में आई तो मैं करीब 3 साल की थी. और इसका क्या मतलब है कि 3 साल के लिए मैं फैमिली की बेबी थी. और मुझे याद है कि जब मोए आई तो मुझे थोड़ा सा जलन हुआ कि ये छोटी बेबी कौन है और इस छोटी बेबी को इतना सारा अटेंशन क्यों मिल रहा है, सब लोग उसके तरफ देख रहे हैं. लेकिन जब कमरे में कोई और नहीं था, अगर बस मैं और मोए बैठे थे, तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे लगता था कि अच्छा ये इतनी छोटी कौन है ये और मैं इसके साथ कैसे खेल सकती हूँ. तो एक दिन मुझे याद है कि मेरी मम्मी कमरे के बाहर गई थी और मैं मोए के साथ बैठी थी. मोए मेरे को बस ध्यान से देख रही थी और मैं उसके साथ ब्लॉक्स, इस तरह के ब्लॉक्स के साथ खेल रही थी. और पहली बार मुझे लगा कि मैं मोए की बड़ी दीदी थी और मैं उसको कुछ सिखा रही थी. और मुझे लगा कि मोए को भी ऐसे कुछ महसूस हुआ क्योंकि उसने पहली बार मुझे देखकर स्माइल दिया मुझे. तो मुझे ये सबसे शायद अच्छी तरह से याद है मेरी पहली स्मृति मोए और मेरी. और आनंद आपको क्या याद है मोए के बारे में बड़े भाई होने के? मेरे लिए ये बाद की स्मृति है. मुझे याद है कि मोए मेरे साथ स्कूल आती थी जब मैं एंड मैरी में था स्कूल में. और क्लास शुरू होने से पहले के समय में मोए मेरे दोस्तों के साथ खेलती थी. मुझे याद है कि वो बहुत मस्ती करती थी और काफी काफी पॉपुलर थी मेरे दोस्तों के साथ. तो ये मेरी पहली स्मृति है मोए की. हाँ, और मोए वैसे बहुत मजाक भी बनाती थी. वो जैसे जोक्स भी बहुत बोलती थी. हाँ, तो मुझे भी लगता था कि वो मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत पॉपुलर थी. लेकिन आपने ये एंड मैरी स्कूल के बारे में बात की अभी, तो मुझे याद है कि मोए कितनी खुश थी जब वो स्कूल जाती थी. उसको इतना पसंद था स्कूल जाने कि रात को जब वो सोती थी वो अपनी डायरी, स्कूल की डायरी के साथ सोती थी. वो हाथ में ऐसे पकड़ के सोती थी, बहुत प्यारी लगती थी. लेकिन मोए को बहुत दुख भी हुआ जब वो अपने बड़े भाई बहन के साथ स्कूल नहीं जा पाई बाद में ना, क्योंकि उसको वहां पे काफी मुश्किल लगने लगा स्कूल जाने में. तो फिर मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है जब मुझे जब मैं याद करती हूँ कि मोए हमारे साथ स्कूल नहीं जा पाए थोड़े महीने बाद. लेकिन उस समय आपको शायद याद है कि कर्ण विहार शुरू हुआ है ना? हाँ, और जब कर्ण विहार शुरू हुआ तो उसे मोए को सीखने का एक नया अवसर मिला. और कर्ण विहार हमारे स्कूल तुम्हारे और मेरे स्कूल से अलग था, बहुत अलग था. और मुझे याद है कि मुझे उससे थोड़ी जलन हो गई थी क्योंकि एन मैरी और मोस्ट स्कूल्स करुणा विहार से बहुत बहुत अलग थे. और ये याद मुझे बहुत क्लियरली है कि मोए की एक्सपीरियंस
काफी अलग होने लगी जब वो श्रावण विहार में जाना शुरू किया उसने. हाँ, मुझे भी ऐसे काफी, आप जलन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ी सी जलन होती थी कि वो जाती थी स्कूल और दिन भर वो खेलती थी, मुझे लगता था, और मुझे अपने बुक्स के साथ डेस्क पे बैठना था. मुझे एक याद है कि जब उत्तराखंड स्टेट बन रहा था तो उस समय काफी सारे बंद थे, कर्फ्यूज थे, तो एक बार स्कूल्स, सारे स्कूल देहरादून में काफी, मुझे लगता है हफ्ते तो थे लेकिन शायद महीने के लिए बंद किए गए थे. और उस समय हमारे जो नेबरहुड में और बच्चे थे, सबके मम्मी पापा ने सोचा कि चलो हम इनको कुछ सिखाते हैं घर में और हम एक ग्रुप बनाते हैं. तो मॉम ने कहा कि अच्छा, हमारे जो ग्रुप में बच्चे हैं, हम उनको कर्ण विहार में लेके जाकर कुछ सिखा सकते हैं वहां पे. तो एक औरत थी, एक टीचर थी कर्ण विहार में, पॉला. शायद यहाँ पे आप लोगों को शायद याद है, पॉला इंग्लैंड से आई थी. और पॉला ने कहा कि चलो मैं उनकी ज्योग्राफी लेसन करती हूँ. तो हम सब सीख रहे थे कि मैप्स जो है वो कैसे बनाते हैं. मैप जैसे यहाँ पे घर है, यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे रेलरोड स्टेशन है. तो पॉला ने कहा कि चलो हम अपने बुक्स से नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये मैप्स कैसे बनते हैं और तुम लोग अपने आप एक मैप बनाओगे और इस प्लेग्राउंड, कर्णविहार प्लेग्राउंड का मैप बनाओ. तो उन्होंने कहा कि उसमें जरूर लिखो कि यहाँ से वहां जाने में कितना समय लग सकता है, कितनी डिस्टेंस है दरवाजे से गेट तक, ऐसे ऐसे. और उन्होंने कहा कि फुट में डाल दो ये जो डिस्टेंस है. तो हम सब बहुत बिजी हो गए, हम सब अपने मैप्स बना रहे थे और हम सब ने जो वो फुट था ना, कि जैसे यहाँ से दरवाजे तक 10 फुट की डिस्टेंस थी, तो हमने अपने पाँव लेकर फुट का मेजरमेंट दिया. और फिर पॉला ने हमें बताया कि अब सबका जो पाँव का साइज है वो सबका अलग है. मेरा तो बहुत छोटा था, तुम्हारा थोड़ा बड़ा था, तो मैंने शायद 12-15 फुट लिखा और आपने 8-9. तो पॉला ने हमें सिखाया कि हमें किस तरह से 1 फुट का मेजरमेंट लेना चाहिए. और इस तरह से उन्होंने सिखाया कि सबकी जो अनुभव है वो अलग है, लेकिन कभी कभी हमें एक साथ आना पड़ता है और एक नई चीज सीखनी पड़ती है. लेकिन पॉला ने कभी ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, तुम सही हो. उन्होंने सबके अनुभव लिए और हमें कुछ नया सिखाया. मुझे लगा कि ये थी कर्ण विहार की जैसे स्पेशल क्वालिटी, कि वो सबके अनुभव ले सकते थे, सबके ज्ञान ले सकते थे और फिर भी कुछ नया सिखा सकते थे. इतनी अच्छी कहानी है, मुझे भी ये याद है. और कर्ण विहार एक बहुत यूनिक और डिफरेंट सा एक एक्सपीरियंस था सबके लिए. और हमने भी ऐसा देखा मोय के साथ कि मोय क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकती थी. और इसलिए हमारे लिए भी थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी ये चांस मिलता था. और कैथलीन, आज उस अनुभव का, ये जो आपने कहानी सुनाई है, ये उस अनुभव का आपके जीवन में आज क्या प्रभाव है उसके वजह से? तो काफी प्रभाव है. ये कहानी की तो मुझे बहुत याद आती है क्योंकि मैं आजकल खुद अध्यापिका हूँ और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ. और मुझे ये हमेशा याद है कि जिस तरह पॉला ने मुझे सिखाया, मुझे भी उसी तरह से सिखाना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी पूरे दुनिया भर से आते हैं
और उनकी जो अनुभव है, उनकी जो ज्ञान है, वो अलग अलग है. लेकिन मेरी जो रोल है टीचर की, वो है कि सबके एक्सपीरियंसेस लेकर मैं उनको एक चीज सिखा सकती हूँ. और किस तरह से कैसी सहनशीलता से, कैसे धीरज से मैं उनको पढ़ा सकती हूँ, सिखा सकती हूँ. तो ये सब तो जरूर मोय की प्रभाव है. मोय की एक दूसरी भी प्रभाव है कि हमारी जो बेटी है उसका नाम है उमा. और ये असली में ये मोय का असली नाम था, उसका गुड नेम कहते हैं. तो हमने मोय को याद करके अपनी बेटी का भी नाम उमा रखा है. और जब भी मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, मुझे मोय की याद आती है कि मैं मोय की तरह सहनशील और प्यार से अपनी बेटी के साथ रह सकती हूँ. ये हाँ, और मेरे लिए भी ऐसा ही प्रभाव हुआ है. मेरे काम करने के तरीके पर मोय का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है. मैं यहाँ लंदन में काम करता हूँ एक काफी बड़े कंपनी में, और मेरे लिए दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को देखना ज्यादा आसान है मोय की वजह से. और मोय के कारण मैं ज्यादा सहनशील और एक बेहतर मैनेजर हूँ ऑफिस में मोय की वजह से. और कैथलीन, मोय अभी हमारे साथ नहीं है, पर ऐसी ये जो अनुभव है, ये जो कहानी आपने सुनाई है, जो मैंने सुनाई है, ये इसकी जो लेगेसी है मोय की आज, वो हमारे साथ कैसी आपके लिए और हमारे लिए कैसे रहती है? तो हमने अभी तक तो काफी बात की है कि मोय ने हमें सहनशीलता कैसे सिखाई, हमें धीरज सिखाई, प्यार सिखाया. लेकिन जब मोय की डेथ हुई तो एक मेरे पापा के एक दोस्त आए थे मिलने मोय, हमें अफसोस करने के लिए वो आए थे. और जब वो जा रहे थे तो उसने मेरे को देखकर कहा कि तुम्हारी बचपन की सहेली चली गई, अब तुम क्या करोगे. और मुझे इतना फील हुआ कि इस आदमी ने पता नहीं कैसे देख लिया कि और रिकग्नाइज कर लिया कि ये हमारी छोटी बहन थी और ये हमारी बचपन की सबसे पुरानी सहेली थी. तो मुझे ऐसे लगा कि उस आदमी ने थोड़े शब्दों में उसने पूरी कहानी बता दी हमारे लिए कि ये हमारी छोटी बहन थी, लेकिन इस छोटी बहन ने हमें एक तोहफा दिया था. जब वो जा रही थी तो हमें उसने प्यार और दोस्ती की तोहफा दी थी. तो मुझे लगता है कि ये मोय की लेगेसी है, ये मोय की कहानी है जो आजकल भी आगे बढ़ रही है, आगे चल रही है, प्यार और दोस्ती. बिल्कुल बिल्कुल. और आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू फॉर हैविंग अस. ये हमारे लिए बहुत इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, और ये यादें और ये कहानी हमारे लिए भी बहुत अच्छी सी एक्सपीरियंस थी. इसलिए थैंक यू वेरी मच. और थैंक यू एवरीवन. थैंक यू, बाय एवरीवन. संदीप, बैक टू यू. थैंक यू ज्योति. इस लेक्चर सीरीज में हमारा अगला पड़ाव है एक पैनल डिस्कशन, जिसका संचालन करेंगे डॉक्टर अजय शर्मा. डॉक्टर अजय शर्मा बच्चों के डॉक्टर हैं और बच्चों के विकास के विशेषज्ञ हैं. उन्हें बहुत सालों का अनुभव है, उनकी अपनी चार बहनें हैं और उन्होंने रिश्तों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व और महसूस किया है. आपका स्वागत है डॉक्टर अजय. थैंक यू संदीप. थैंक यू. भाई बहन के जादू की इस गोष्ठी में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे साथ इस गोष्ठी में शामिल हैं
दर्शना रामगिरी, दर्शना रामगिरी बी इकोनॉमिक्स कर रही हैं और सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं, उनको सेरेब्रल पॉल्सी भी है। और मेरे साथ शामिल हैं अरमान अली। अरमान अली डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं, वो विकलांग लोगों को उनके हक दिलाने में मदद करने वाली एनजीओ नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अरमान अली को पोलियो की वजह से होने वाला पैरापरिसिस है। मेरे साथ शामिल हैं प्राची देव, जो हैदराबाद में एक एनजीओ नई दिशा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उनके बड़े भाई को डाउन सिंड्रोम है, जो इस संस्था के स्थापित होने की एक प्रेरणा है। आप सभी का इस भाई बहन के जादू की गोष्ठी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहन का रिश्ता, जैसे अभी कहा संदीप ने, कहा कैथलीन ने, कहा आनंद ने, कहा एक बहुत ही खास रिश्ता है। ये ऐसा रिश्ता है जिसमें बच्चों को कुछ अपनी ऐसी भावनाएं और व्यवहार दिखाने का मौका मिलता है जो शायद वो किसी और के साथ नहीं कर पाते। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का साहस बढ़ाते हैं। इस रिश्ते में प्यार है, इसमें लगाव है, लेकिन इसके साथ और रिश्तों की तरह इस रिश्ते में भी और भावनाएं भी हैं, जैसे एक दूसरे से जलन होना, आपस में झगड़ा होना। मेरी चार बहनों से मेरा बहुत झगड़ा होता था, लेकिन वो मेरे दिल के बहुत करीब है। शायद उस झगड़ा होने से ही हमारा लगाव बढ़ा। भाई बहन के संबंध ऐसे हैं जिसमें डिसेबिलिटी या विकलांगता जैसे शब्द बीच में नहीं आते। आप सिर्फ आप होते हैं। सभी बच्चे इस तरह के संबंधों को बनाकर अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, अपने वजूद की पहचान बनाते हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, जो जिंदगी भर उनके काम आता है। इस गोष्ठी के संदर्भ में भाई बहन के संबंधों के दो पहलू हैं। इसको जिन बच्चों को डिसेबिलिटी है उनके नजरिए से देखा जा सकता है, या फिर उनके भाई बहन के नजरिए से, जैसे आनंद और कैथलीन के नजरिए से हमने सुना, या प्राची के नजरिए से हम सुनेंगे। हम आज इन दोनों नजरियों पर अपनी निगाह डालेंगे। तो चलिए इस गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। हम सवाल पूछकर शुरुआत करेंगे हम दर्शना रामगिरी से। सबसे पहले दर्शना, मुझे बताएं आप कि आपके कितने भाई बहन हैं? क्या मेरी तरह आपके भी भाई बहनों से झगड़ा होता था? किस वजह से होता था और कौन जीतता था उस झगड़े में? तो सबसे पहले मैं, मेरी एक बहन है, वो मुझसे बड़ी है, और मैं उसे इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। उसका नाम श्रुति है और अच्छा। वो मुझसे 6 साल बड़ी है और वो अभी रोबोटिक इंजीनियर है। तो श्रुति का मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। वो उसका बहुत बड़ा रोल है। मैं जो भी हूँ और रहूँगी फ्यूचर में, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट और रोल रहेगा। तो झगड़े, बचपन की यादों में झगड़े तो बहुत सारे होते थे, अभी भी होते हैं। आई थिंक 2-3 दिन पहले हुए होंगे। तो हाँ, झगड़े होते रहते हैं। आई थिंक छोटी छोटी बातों से लेकर अभी बड़े हो गए हैं तो बड़े बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होते हैं, लेकिन उनको सॉल्व करते वक्त, उन झगड़ों को सॉल्व करते वक्त जो रिलेशनशिप में बॉन्ड बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, आप वो उस एक झगड़े के बाद आपका रिलेशनशिप और ऊपर चला जाता है। इट ऑलवेज इंक्रीजेस बट नेवर डिक्रीजेस। सो आई थिंक ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव है और श्रुति के साथ।
ओके, आपकी बचपन की यादों में अगर मैं आपको ले जाऊं, तो क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता था कि कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं कर पाते और आपकी बहन कर लेती थी, और इस वजह से आपको कुछ जलन होती थी, गुस्सा आता था इस वजह से उनकी तरफ से? हाँ, तो जैसे आपने कहा कि मुझे सेरेब्रल पाल्सी है, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस वो ज्यादा नहीं है। मैं चल सकती हूँ, मैं सारे काम इंडिविजुअली कर सकती हूँ, लेकिन लेकिन मेरा करने का तरीका डिफरेंट होता है ऑफ कोर्स मेरी कंपेयर टू माय सिस्टर और द अदर किड्स अराउंड मी। सो होता था, तरीके अलग होते थे। मैंने कभी कंपेयर नहीं किया श्रुति के साथ खुद को फिजिकली, लेकिन कभी कभी ऐसे ऑड लगता था और डिफरेंट लगता था। जब मैं छोटी थी तभी एम्बेरेसमेंट होती थी कभी कभी, बहुत कम आई थिंक, क्योंकि मैं यूजुअली ऐसी लड़की नहीं हूँ जो यू नो एम्बेरेस्ड होती है, और आई एम क्वाइट फ्री। सो कभी कभी होता था, जलन कभी नहीं हुआ, बिकॉज आई थिंक आई कैन डू व्हाट शी कैन डू। ऑफकोर्स मेरे तरीके अलग होते हैं, लेकिन टाइम कंजम्पशन ज्यादा होता है, लेकिन हाँ यही मेरा। तो ये 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 क्या कभी आपकी बहन ने आपको ये एहसास दिलाया कि आप भी सभी की तरह जो करना चाहे कर सकते हैं, और आपका आत्मविश्वास बढ़ाया? हाँ जी, लाइक उसने बहुत मुझे यू नो पंप अप किया है बचपन से, वो अभी करती है। उसने मुझे हमेशा कहा है कि यू कैन डू एवरीथिंग दैट यू नो एनीवन एल्स कैन और आई कैन। उसने बोला है कि तरीके अलग हो सकते हैं, स्पीड अलग हो सकता है, वक्त टाइम कंजम्पशन अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। एंड शी ऑलवेज इंस्पायर्ड मी, उसने हमेशा मुझे यू नो इंस्पायर किया है, प्रेरणा दिया है और सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है। और उसने कहा है कि तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जब भी जरूरत पड़े, बट नेवर गिव अप। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू दर्शना। मैं कुछ सवाल अरमान जी से पूछना चाहूंगा। अरमान, क्या आपकी सबसे पहली याददाश्त क्या है कि आप में और आपके भाई बहनों में कुछ फर्क था, और अगर आपको ये बात महसूस भी हुई तो क्या आपके भाई बहनों ने इस काम को एहसास करने के लिए कुछ, एहसास को कम करने के लिए कुछ किया? अजय, पहले तो मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा, मुझे सेरेब्रल पॉल्सी है, पोलियो नहीं। दूसरी बात, भाइयों ने कभी एहसास नहीं दिलाया कि कुछ कमी है या मुझ में कुछ विकलांगता है, इसी कारण ओवर कॉन्फिडेंस हो गया थोड़ा। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण दूसरों के साथ जब भिड़ जाते थे तब रियलाइज होता कि कुछ कमी है। तो भाइयों ने कभी पॉइंट आउट नहीं किया कि मुझे कुछ कमी है या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या मुझसे अलग है। वो कॉम्पिटिटिव रहा और प्रोटेक्टिव, दोनों का बहुत अच्छा एक संतुलन था हमारे रिलेशनशिप में। लेकिन कभी आपको ये एहसास हो कि आपको, जब शुरुआत में मैं पूछ रहा था, आपको जब भी एहसास हुआ कि मैं अपने भाइयों से थोड़ा फर्क हूं, तो उन्होंने किस तरह उससे डील किया? तो फर्क हूं जब मुझे एहसास हुआ, और जो मैं नहीं कर पाता था, मैं अगर मेरे भाई वो कर पाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मैंने किया है, और मुझे एक तरीके से वो मुझे संपूर्ण करते हैं, और खासकर कि जो मेरा छोटा भाई है और अभी वो ऑनलाइन भी है अटेंडिस में। अच्छा, तो मैं जो भी कर नहीं पाता था मेरे लाइफ में एज ए यंगस्टर, जैसे ही बड़े होते थे हम,
तो वो अगर कुछ भी कर लेता था जो मुझे नहीं करने पाने की मुझ में क्षमता थी, तो मैं उसको बोलता था कि तू कर ले भाई, वो करता था तो मुझे लगता कि मैंने कर लिया। और ये छोटे भाई से लेके सबके साथ लागू होता है। मैं छोटा भाई आर्मी में अफसर है, ऐसे कर्नल, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो नहीं कर पा रहे तो मैं कर पाऊं, तो मतलब तो भाइयों से एक ही नाराजगी है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया मुझ में उनके आप मतलब ऐसा है कि भाई जैसे एक यूनिट की तरह से थे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये कर रहे हैं कुछ। जी बिल्कुल जी 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 जी। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या आपके भाई कभी आपको किसी तरह की परेशानियों से, अनजान लोगों की गलत बातों से बचा? क्योंकि लोग इग्नोरेंट लोग कमेंट पास करते हैं, कुछ कहते हैं, उनसे कैसे बचाते थे, या उन्होंने आपके अंदर ऐसी प्रेरणा दी कि आप किसी से कम नहीं है और आप इनकी इस बात का इस तरह से जवाब दें या इसकी इस बात के जवाब में ऐसे करें? किसी से कम नहीं, इसकी प्रेरणा बहुत मिली बचपन से ही, और इतनी मिली कि फिर किसी को जरूरत नहीं पड़ी कि प्रोटेक्ट करना पड़े मुझे किसी चीज से। अच्छा। और जब किसी से कम नहीं, जब ये प्रेरणा मिली तो खुद ही जवाबदारी के लिए संपूर्ण हो गए, लोगों से सीधा संपर्क हुआ, और जब जहां तक बातचीत की बात है या अपने विचार आदान प्रदान करने की बात है, मैं अपने मन की बोलता था और मुझे पता था कि भाई उसको सपोर्ट करेंगे चाहे मैं गलत ही क्यों ना हूं। वंडरफुल। ये सारे रिश्ते जो हैं भाई बहनों के, ये दो तरफा होते हैं, तो कुछ ऐसे मौकों के बारे में बताएं जब आपने अपने भाइयों की मदद करी हो। रोज ही करता हूं इनको, तो ऐसा तो ऐसा कोई मौका नहीं है, मतलब रोज ही करते, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, परेशान हूं मैं इनसे भी तो मतलब ऐसा कुछ मौका नहीं आता है कि किसी विशेष मौके पे, मतलब रोज ही करना पड़ता है कुछ ना कुछ, छोटे से छोटी बातों से, छोटी छोटी बात से लेके बड़ी बात तक बराबर का रिश्ता है हमारा, और मैं मुझे लगता है उनसे थोड़ा ज्यादा ही करता हूं मैं। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू अरमान। प्राची, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बचपन की कोई ऐसी याददाश्त हमें बताएं जिसमें आपके भाई जिन्हें डाउन सिंड्रोम है उन्होंने आपकी मदद करी हो, या आपकी प्रेरणा बढ़ाई हो, या आपका विश्वास बढ़ाया हो। आप म्यूट पर। बचपन की बात पे तो मैं जाऊंगी ही, लेकिन मैंने अब जो नई दिशा हमने जो संस्था शुरू की है उसकी तो प्रेरणा मेरे भाई ही है, तो अगर अगर उन्होंने मुझे प्रेरणा नहीं दी होती तो मैं ये संस्था शुरू नहीं करती, तो प्रोबेबली आई वुड बी वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, नो ऑफेंस टू पीपल इन कॉर्पोरेट, बट मैं कॉर्पोरेट में होती और शायद मिड लाइफ क्राइसिस में होती, तो वो तो बट बचपन में ये जरूर होता था कि जब माँ पिताजी डांटते थे या कभी ऐसे लगता था कि ओ हर तरफ से कोई डांट रहा है या कुछ, तो एक जगह होती थी जहाँ अनकंडीशनल लव मिले, वो मेरे साथ भी होता था, और अब मैं मेरी बेटी को देखती हूँ जो 14 साल की है, तो अब हमारे रिश्ते में आई एम मोर ऑफ अ केयर गिवर, मैं ज्यादा पेरेंट बन गई हूँ मेरे भाई के लिए, और मेरी बेटी बहन बन गई है। बहन बन गई उसकी, बहुत हाँ, तो उनका सिबलिंग का रिश्ता हो गया, तो मैं उसे भी देखती हूँ कि वो बहुत परेशान है, खुश नहीं है मार्क्स मिले उससे, बट जाके वो अपने मामा से जब मिलती है तो उसे लगता है कि चलो सब ठीक है, शी गेट्स द बिग पिक्चर, एंड दैट हैपेंस क्वाइट अ बिट। कभी आपको बचपन में ऐसा लगा कि सब लोग आपके भाई पर ही ध्यान देते हैं, सबका ध्यान उन्हीं पर जाता है और आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, आप या थोड़ा उतनी अटेंशन आपको नहीं मिलती जितनी उन्हें मिलती, और आपको इस वजह से खराब महसूस हुआ? एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने दोनों की तरफ उतना ही ध्यान दिया और उनकी तरफ से जो बेस्ट कर सकते थे वो किया। हाँ, मुझे ये याद है कि मेरी मौसियां, हमारे रिलेटिव्स मेरी माँ को काफी बार पूछते थे कि तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि तुम प्राची की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रही, एंड सो ऑन, बट मेरे ख्याल से जब भी कोई जरूरत पड़ती थी तो मेरे माँ बाप हमेशा मुझे समझाते थे कि वो कोई चीज क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, तो उसके कारण ये फीलिंग नहीं आई मुझे।
ये जरूर हुआ कि बहुत बार कहीं बाहर जाना है तो मैं अकेले चली जाती थी, या कोई बिल्डिंग की पिकनिक है तो मेरी माँ नहीं आती थी या मेरे भाई नहीं आते थे तो मैं अकेले चली जाती थी, तो तब फील होता था कि अरे ये सब भी आ पाते तो अच्छा होता, तो वो पार्ट होता था। लेकिन आप उसको एकोमोडेट कर पाए इस वजह से कि जैसे आपके माँ बाप पिता ने जैसे किया आपके साथ, वो बहुत बड़ी बात है। अक्सर ऐसा होता है कि जिन बच्चों को डिसेबिलिटी है माँ बाप हर समय उनकी कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने कहा उनका ध्यान रखते हैं, पेरेंट हैं उनके, लेकिन उनके भाई बहन उनको बराबरी के स्तर पर लाते हैं, जो बहुत जरूरी बात है, चाहे वो खेल में ही हो वो उनसे बराबरी की तरह से बात करना चाहते हैं। तो आपकी क्या कोई ऐसी याददाश्त है जिसमें आपने कोशिश करी हो कि मेरा भाई भी वही करे जो हम सब करते हैं? ऐसे काफी बार हुआ एक्चुअली। आज भी मेरा मेरे माँ पिता जी से झगड़ा होता है जब मेरा भाई कुछ करता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे इसने ये किया, और मुझे लगता है क्यों खुश हो रहा है, ये तो ये कर सकता है, मुझे पता है वो कर सकता है। तो वो तो आज भी होता है। बचपन में भी हुआ था, मैं दो किस्से बताऊंगी। एक जब हम छोटे थे और ट्रेन में जाते थे तब बर्थ का बड़ा मजा आता था, रात को हो या स्पेशली दिन में बर्थ पे चढ़ने में बड़ा मजा आता था। तो मैं सोची कि मेरे भाई को तो मुझे लेके ही जाना है, ये बहुत मजेदार चीज है। और मेरे पिताजी और माँ बोले नहीं नहीं वो कहाँ चढ़ पाएगा, वो गिर जाएगा, और मुझे पता था कि वो चढ़ सकता है। तो जब वो वैसे ही बर्थ पे चढ़ा तो मेरे माँ पिताजी को बहुत आश्चर्य हुआ, अरे वाह ये कैसे हुआ, जबकि मेरे लिए एज अ सिबलिंग मुझे पता था ये तो ये कर लेगा, इसमें तो कोई बात नहीं। उसी तरह उल्टा भी हुआ, जैसे हम बचपन में ताजमहल देखने गए थे तो मैंने इंसिस्ट किया कि मेरे पिताजी ने कहा कि वो हम ट्रेवल्स बस से जाते थे उस समय, तो मेरा भाई रुक जाएगा बस में क्योंकि वो बहुत दूर है, गर्म होगा, उसे पसंद नहीं आएगा। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, हम दुनिया का अजूबा देखने जा रहे हैं, दादा ने तो वो देखना ही है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम लेके गए बट मेरे पिताजी की बात सही निकली, मार्बल बहुत गर्म था, मेरे भाई को पसंद नहीं आया, उनको फाइनली उसको अपने कंधे पे उठा के वापस लाना पड़ा। तो दोनों चीजें हुई बट मैं कोशिश हमेशा करती थी, मैंने ये सवाल नहीं पूछा कि मैं क्यों अलग स्कूल में जाती हूँ और वो क्यों अलग स्कूल में, बट अदरवाइज मेरी हमेशा ये कोशिश रहती थी कि उसे वही एक्सपीरियंस मिले जो मुझे मिल रहा है। तो भाई बहन जो है वो एक दूसरे को एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं और उससे उनका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस तरीके से। बहुत अच्छी बात। मैंने काफी सवाल पूछे लेकिन एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा आप तीनों से ही, दर्शना से, अरमान से और प्राची से, कि क्या कोई ऐसा काम है जिसे माँ पिताजी करें या जिसे वो ना करें जिससे ये भाई बहन का जादू और बेहतरीन हो सके? क्या कोई ऐसा काम है जिससे वो इसमें मदद करें या इसमें अड़चन न डालें? कुछ सोचें इस बारे में कि मैं बोलना चाहूंगी कि बोलो दर्शना। आई थिंक जो रिश्ता होता है आपके भाई बहन के साथ, सिबलिंग्स के साथ, उसमें हमेशा पेरेंट्स का बैकबोन होता है और दे ऑलवेज सॉल्व योर प्रॉब्लम इफ देर आर, एंड दे विल ऑलवेज यू नो लाइक सॉरी इंग्लिश, वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो हमेशा जब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, गलत फहमी हो तो उसे दूर करते हैं। तो प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन पेरेंट्स आर लाइक समहाउ थेरेपिस्ट टू सिबलिंग्स, बिटवीन सिबलिंग्स, तो उनका पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन बट आई थिंक जब भी छोटे होते हैं, जब भी बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो आई थिंक पेरेंट्स का रोल कम होता जाता है और सिबलिंग्स के रिलेशनशिप में, और दोनों ही सिबलिंग्स या तीनों ही जितने भी हो, वो लोग इंडिविजुअली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं एक दूसरे के साथ कि देन
उसके बाद पेरेंट्स का ज्यादा रोल नहीं होता है, होता है लेकिन बहुत बड़ी बातों में ऐसे. सी आई होप यू आई होप आप यू आर गेटिंग इट. यस 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू दर्शना. अरमान आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है कि थोड़ा कुशनिंग कम करके बॉन्डिंग पे ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को और ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं पेरेंट्स, और वो जो बच्चे जो जिसमें विकलांगता है उसको ठीक करने के लिए कभी डॉक्टर कभी तांत्रिक कभी कोई क्वैक इधर उधर ले जाने में और उसको प्रोटेक्ट करने में कई बार बॉन्डिंग में कमी हो जाती है और एक सिबलिंग दूसरे सिबलिंग पे ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है, तो उससे मुझे लगता है कि जिस जो विकलांग सिबलिंग है उसको अपना पोटेंशियल ग्रो करने में और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में फिर बहुत समय लग जाता है और वो एक बहुत बड़ा क्या कहें इसको हिंदी लफ्ज तो याद नहीं बट रोड ब्लॉक कहते हैं जो अंग्रेजी में वो हो जाता है तो अड़चन आती है अड़चन बिल्कुल. तो मैंने ये अभी आनंद और कैथरीन को सुना सुन के मुझे भी एक कॉम्प्लेक्स हो गया कि मैं इतनी अच्छी हिंदी बहुत अच्छी आपने हिंदी बोली और जो ने हिंदी में रखा हम हिंदी बहुत कम बोलते हैं, मतलब एक ऐसे परिवेश में जो थोड़ा सा इसका हिंदी भी नहीं पता फॉर्मल हो हम ऐसे दोस्तों से या फैमिली में तू दराक में बात कर लेते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती, बट इस तरीके के फोरम में हिंदी कैसे बोले वो मुझे काफी प्रेरित किया आनंद कैथरीन के कन्वर्सेशन को सुनके. तो मुझे यही कहना था कि थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो विकलांग बच्चे हैं जो जरूरतें हैं उनकी जो उनके जो अवस्था के अनुसार उनकी जो जो जरूरतें हैं उनको पूरा करें, बट ज्यादा प्रोटेक्टिव अगर हो जाते हैं ज्यादा ही अगर उसको ऐसा करते हैं कि इसको चोट लग जाएगी या तुम नहीं समझ पाओगे इसको तुमको ही देखना पड़ेगा, इस तरीके के जो भावनाओं को और इस तरीके के जो विचारधारा है जो सिबलिंग्स में पहले से आते हैं, और हमारे देश में कानून भी है जो कि कहता है कि हमारे बाद कौन देखेगा हमारे बच्चों को जो गंभीर रूप से विकलांग है. तो मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते को आप ज्यादा समय ले रहा हूं मैं, अगर आप दोस्ती को देख लें हम सबके दोस्त हैं और हम जब दोस्ती करते हैं तो फैमिली से आगे बढ़ जाते हैं बहुत बार. आप पूछ के नहीं करते फैमिली से कि इस दोस्त के साथ मैं कैसा व्यवहार उनके साथ करूं या मेरा उनके साथ कैसे विचार का आदान प्रदान हो. दोस्त के लिए हम कभी भी तैयार रहते हैं 24 घंटे पूरे साल. तो एक भाई बहन में भी ऐसा रिश्ता होना बहुत जरूरी है जो एक दोस्ती का हो. और मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं अभिभावक जो हैं उनको इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ना देखें बट एक दोस्ती एक रिश्ता जो निभाए एक नेचुरल हो वो बहुत जरूरी होता है. बिल्कुल सही बात बहुत सही बात कह रहे हैं प्राची. हाँ, इस बारे में पेरेंट्स के रोल के बारे में मेरी बहुत सारे पेरेंट्स से बात होती है तो मैंने देखा है कि दो तरह के पेरेंट्स देखे हैं मैंने. एक वो जैसे मुझे आज भी याद है एक या डेढ़ साल पहले एक पेरेंट्स से बात हुई थी जिनके बेटी का ऑटिज्म जस्ट डायग्नोस होने की प्रोसेस में था तो काफी एंग्शियस थी. हाँ वो तो समझ सकते हैं बट उन्होंने एक बात कही थी जो जिसके कारण शायद मैं एज अ सिबलिंग ज्यादा बात करने लगी. उन्होंने कहा अब तो हो चुका अब तो मेरी बड़ी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना.
तो तब मैंने कहा प्लीज आप ऐसे मत सोचिए, वो बहुत कुछ सीखने वाली है, शी इज गोइंग टू बी अ बेटर पर्सन नोइंग अबाउट हर सिस्टर, वो जल्दी मैच्योर होगी, उससे ज्यादा एहसास होगा, जैसे कैथलीन और आनंद ने कहा कि सहनशीलता सीखिए, बहुत कुछ सीखते हैं आप. तो पेरेंट्स से मैं वापस उसी बात पे आऊंगी कि दो टाइप ऑफ पेरेंट देखे, एक जो बहुत प्रोटेक्ट करते हैं अपने सक्षम बच्चे को, ये कह के कि तुम तुम्हारी जिंदगी जियो, तुम इस झमेले में मत पड़ो, हम सब कुछ कर लेंगे, या दूसरे तरीके से होते हैं जो ये कहते हैं कि अरे तुम्ही को करना है, तुम पढ़ने बाहर कैसे जा सकते हो. तो मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है. और उसमें अरवान जी जो कह रहे थे वो बात आती है कि आप उनको दोस्त बनने दें, उनकी रिलेशनशिप को इंडिपेंडेंटली फूलने दें, आप उसमें इंटरफियर ना करें. एंड दूसरी चीज ये भी है जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहूंगी कि मुझे कुछ भी करना था तो मेरे माँ पिताजी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम यहाँ मत जाओ, भले ही मुझे अकेले जाना पड़ता था, पर तुम्हें जो भी करना है तुम करो. तो मुझे लगता है जो सक्षम सिबलिंग्स होते हैं उन्हें अगर हर चीज का अनुभव मिले, और काफी मौकों पे ये जरूरी है, जैसे मेरी केस में अब मेरे भाई की ऑलमोस्ट प्राइमरी केयर गिवर हूँ, तो ये जरूरी है कि वो सारा अनुभव ले ताकि वो वापस आ सके. मतलब इट गोज बैक टू द फिलोसफी कि इफ यू लव समवन सेट देम फ्री, इफ दे कम बैक दे आर ऑल योर्स. तो वो मुझे लगता है बहुत बहुत जरूरी है. Beautiful, beautiful. Thank you so much. There were such lovely ideas from the three of you. कितने अच्छे आप सब लोगों ने विचार हमारे साथ बांटे. यहाँ तक कि अपने अनुभव ही नहीं कि पेरेंट्स क्या कर सकें, सोशल इंजीनियरिंग ना करें, इंटरफेरेंस ना करें, सपोर्ट करें, मॉडल करें. और तो बहुत अच्छी बात है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस गोष्ठी में भाग लेने के लिए. थैंक यू. ओवर टू संदीप और आरती. कुछ सवाल हैं लोगों के. एक मैं अरमान के लिए एक सवाल है कि आपके भाइयों के दोस्त, उनका रवैया आपकी तरफ कैसा रहता था? क्या आप उनको समझाना पड़ता था, आपके भाइयों को समझाना पड़ता था आपके सर्वर पॉलिसी के बारे में, या उनको कुछ और ना बता के भी चलता था और वो आपके साथ दोस्त बनते थे? नहीं, मेरे भाई मुझे कभी किसी भी दोस्त से या अपने दोस्तों के बारे में, जब दोस्तों से मेरी बारे में जब बात करते तो मेरी विकलांगता का जिक्र नहीं करते. और जैसे कि किसी को, मतलब हर व्यक्ति अलग है, यूनिक है अपने तरीके से. जैसे कि कैथलीन ने ज्योग्राफी क्लास का एग्जाम्पल दिया कि कैसे हम अलग अलग सोचते हैं, हमारा मेजरमेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, फूट साइज अलग हो सकता है. तो अरमान को जब इंट्रोड्यूस करते थे मेरे भाई तो बोलते थे अरमान है, बच के रहना भाई. तो और मेरी जितने भी अच्छी बातें हैं वही बोलते थे, विकलांग है वो नहीं बोलते थे. तो कभी एडजस्ट करने नहीं पड़ा. अगर किसी दोस्तों को प्रॉब्लम हुई मेरे डिसेबिलिटी तो शायद उनके फ्रेंड लिस्ट से वो ड्रॉप हो जाते थे. तो कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं. किसी ने ये भी बोला है कि आप सब अपने उनके फ्रेंड्स को हाईजैक कर लेते थे. मेरा छोटा भाई बोल रहा है भाई. वो मेरा छोटा भाई है सरफराज, लेफ्ट बोल रहा है. तो ज्यादातर लड़कियां, मतलब जो उनकी लड़की दोस्त होती है गर्लफ्रेंड, तो मुझसे मिलती थी तो फिर मुझसे ज्यादा बात करती थी, मुझसे दोस्ती हो जाती थी. तो इनको थोड़ा प्रॉब्लम है. बहुत अच्छा. अगला सवाल प्राची के लिए है कि आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप कैसा रहा आपके भाई के साथ और कैसा हुआ? आई थिंक ये भी बहुत बड़ी बात थी कि मेरे भाई के कारण मैंने लाइफ पार्टनर चूजने में थोड़ा ज्यादा दिमाग, दिल तो लगाया पर दिमाग भी लगाया, जिसके कारण आई रियली मेट अ वेरी वंडरफुल पर्सन. तो आई थिंक उसका क्रेडिट भी मेरे भाई को जाता है कि मैं उसके कारण सोच पाई टू लुक फॉर अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग बियॉन्ड एवरीथिंग. उनका रिश्ता तो अभी आप मेरे घर में आए तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि असली
मैं उनकी बहन हूँ या मेरे हस्बैंड उनके भाई है, ऐसा रिश्ता है उनका। तो मेरे भाई बहुत प्यार करते हैं दादा मेरे हस्बैंड से, और मेरे हस्बैंड भी बहुत प्यार करते हैं मेरे भाई से। तो इनफैक्ट उनका रिश्ता स्ट्रॉन्गर देन आवर रिश्ता, आई थिंक समटाइम्स आई एम जेलस। आपके लिए एक और सवाल है प्राची, कि आपके टीनेज टाइम की कोई मेमोरी है जहां पर जो आपको आपके ब्रदर के साथ कुछ चैलेंजिंग यादें हैं क्या? नॉट रियली, बिकॉज इन द सेंस कि बाकी फ्रेंड्स के साथ अगर पूछ रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ, बट वही कि मुझे अकेले जाना रहता था जहाँ पे भी जाना है, बट ब्रदर के साथ, क्योंकि जैसे अरमान जी ने कहा वही होता था कि जो मेरे फ्रेंड्स मेरे भाई से ज्यादा प्यार से रहते थे वो मेरे फ्रेंड्स रहते थे, अगर अगर उनको मेरे भाई से प्रॉब्लम है तो उनके लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं, वही बात होती थी। एंड आप कुछ कहना चाहेंगे अबाउट टू अदर सिबलिंग्स जिनके हैं disabled या handicapped siblings हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग जो इतनी inclusion की बात करते हैं, acceptance की बात करते हैं, वो सब घर से शुरू होता है। अगर हम अपने भाई बहन के बारे में accepting हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी विकलांगता के beyond उनको देखते हैं और हम में वो confidence होता है, तो वो बाकी लोगों में भी आ जाता है कि लोग ये देखते हैं कि इनकी फैमिली में सब लोग इतने प्यार से रहते हैं तो कोई स्पेशल बात होगी तो जरूर। तो उस तरह बाकी लोगों में भी इंक्लूजन आता है हमसे इंस्पायर होके। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंट रहे, आप अपने भाई बहन को पूरी तरह एक्सेप्ट करें। अगर आप करेंगे तो आपको कभी चिंता नहीं है कि लोग कैसे होंगे, लोग भी खुद करना सीख जाएंगे। वंडरफुल, थैंक यू। और एक बात कहूं अगर लेट नहीं हो रहा तो सॉरी एक और बात मैं कहना चाहूंगी, बहुत सारे भाई बहन बहुत चिंता में रहते हैं, ये सोचते हैं मैं बाहर पढ़ने नहीं जा सकता, मैं बाहर जॉब करने नहीं जा सकती क्योंकि मेरे भाई को विकलांगता, बहन को विकलांगता है, या मैं शादी करूं ना करूं। उस मामले में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप जरूर जरूर सारे एक्सपीरियंसेस लीजिए, क्योंकि अगर आप सारे एक्सपीरियंसेस लेंगे तो आप भी, यू विल हैव योर कप फुल एंड यू विल बी एबल टू ऑफर एंड बी विद योर सिबलिंग। वेल सेड, थैंक यू प्राची। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। ओवर टू संदीप। व्हाट्स दैट? That was a calendar thing? Yes, yes. Monik is about to share a special video. Share karne se pehle main Monik ko thank you kehna chahti hoon. Ye hamara calendar ke liye Monik ne itna kaam kiya, aur is video ke liye maine itni persnickety questions bar bar pucha aur change kiya, aur Monik ne itne शांति से सब कुछ ठीक किया। ये वीडियो तो एकदम परफेक्ट है और आप अभी एंजॉय करेंगे। A little surprise, Monik, over to you. Slow down, you move too fast.
इस प्यारे से कैलेंडर को अपने घर और ऑफिस की शोभा बढ़ाने के लिए जरूर लें। जब आप इस कैलेंडर को खरीदेंगे तो आपके द्वारा दिया गया मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन विशेष बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का कारण बनेगा। अंत में मैं आप सभी को आज की शुरुआत इस सफर में हमारे हमराही बनने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। जो दीदी कैथलीन आनंद को धन्यवाद, दर्शना प्राची और अरमान को हमारे साथ अपने पर्सपेक्टिव्स और अपने भाई बहन के रिश्तों के बारे में डिटेल से शेयर करने के लिए धन्यवाद, डॉक्टर अजय का हमारे पैनलिस्ट से उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत करने के लिए शुक्रिया, हमारी टेक्निकल टीम संजय मानिक व सभी LRF टीम मेंबर्स जिन्होंने इस कार्यक्रम को बुनने में अपना सहयोग दिया, उन सभी का धन्यवाद। आज के इस सेशन का अंत मैं कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगा जिसके बाद ये मीटिंग समाप्त कर दी जाएगी। भाई बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो कोई गम नहीं होता, अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। आप सभी को सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार।